आज पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरी दुनिया में जो जो मेरे श्याम बाबा को मानता है सभी के दिलों में सभी के घरों में बड़ी खुशी है। आइए आज मेरे बाबा का जन्मदिन है, मेरे बाबा से प्रार्थना करते कि मेरे बाबा हे मेरे मालिक इस परिवार में नहीं पूरी नगरी में सुख शांति बनाए रखना, ये जितने तेरे दरबार में भगत बैठे हैं जिसकी जो मनोकामना उसको संपूर्ण करना। आइए जो जो मेरे बाबा को मानते हैं सीधे सीधे हाथ भोगने आता है। इंसान के जैसे अपने कर्म होते परमात्मा उसको वैसा ही फल देता है। इंसान अगर अच्छे कर्म करता है तो परमात्मा उसको अच्छे फल देता है, अगर इंसान बुरे कर्म करता तो बुरे कर्मों का भी फल मिलता है। आइए आज पूरी रात उस मेरे बाबा को प्रणाम करना, प्रणाम करके मेरे बाबा को खुश करना कि बाबा अगर इन बच्चों से तेरी भक्ति में तेरी शक्ति में अगर इससे कोई भक्ति में भूल चूक हो तो इनको माफ करना। आइए सबसे पहले छोटी सी वंदना मेरे बाबा के चरणों में जो तो श्याम के दरबार में गए कि बड़ा बहुत कर लिए। कौन के भगत जी, उसने किसी भगत से सुना था कि मेरे बाबा हारे के सहारे हैं, जो सच्ची श्रद्धा से मेरे बाबा को प्रणाम करता अरदास लगाता उसके बारे के न्यारे हो जाते हैं। अपने साथियों के साथ कोई बिजनेस करता है और बोलिया ना करोरी बिजनेस में घाटा हुआ, लास्ट में रुपए बचते 220 रुपए, अपने पिता के पास 25 रुपए मिल गए, अपने परिवार में अपनी माँ के अपने पिता के पास फोन करता कि पापा आज मैं घर नहीं आऊंगा, आज मैं उस बाबा के दरबार में जाऊंगा। दिल्ली से रिंगस की टिकट कटा लेते हैं, बहुत जाते हैं रिंगस, कौन के वहाँ गाड़ियों वाले आवाज लगाते हैं श्याम दरबार श्याम दरबार। उसने सोचा कि भाई परी में ले जा, जीप में बैठ गया। नुमला भाई 100 रुपये लाकेंगे, नुमला भाई पैसा कौन है तभी, नुमला भाई तला उतर ले। तो बाबा से अरदास लगाता है मन ही मन के बाबा अगर तू सच्चा है और मैं सच्चा भगत हूं तो बाबा मेरे को यहाँ लेने के लिए, जब मैं आपके लिए यहाँ 250 किलोमीटर चल के आऊँ क्या मेरे लिए 17 किलोमीटर नहीं चल का सकते। किस किस को विश्वास है कि बाबा हारे के सहारे हैं और भगत को लेने के लिए आते हैं। जब बाबा उसकी ये अरदास सुनते हैं और वो चलने लगता है, रात का टाइम था, वहां पे एक इंसान आता कि भाई ऐसा कर अभी रात का समय है, सुबह यहाँ मेरा रूम है, यहाँ विश्राम करो, सुबह स्नान करके बाबा के दरबार में दर्शन करने के लिए चले जाना कि भाई ठीक है। जब वो रूम की तरफ जाता तो महाराष्ट्र में एक बुजुर्ग साधु बैठे हैं, कहते कि बेटा एक मिनट रुको, आप ऐसा करो इसके साथ रूम में मत जाओ, क्यों क्यों बाबा, आप ऐसा करो अभी दर्शन करो मैं आपके साथ चलूंगा। वो बुजुर्ग साधु उस भगत के साथ साथ चलने लग जाते हैं, दर्शन किए, सुबह वापस आया तो वहां पता चला कि जो रात इंसान उसे अपने रूम पे ले जाने के लिए बोला था वो कोई चोर ठग था और वो साधु वो साक्षात मेरे श्याम बाबा थे। तो आइए जिस भगत की जैसी श्रद्धा होती है विश्वास होता मेरे बाबा उसको वैसे फल देते हैं। आइए छोटी सी वंदना सच्चे दरबार बना उड़े तो बोलिए सच्चे दरबार की श्याम प्यारे की। ओ ओ आ गया मैं, और जो नहीं गए हैं दरबार में आज मानो के मेरे बाबा बटन बटन है आज उस धाम को छोड़ के साक्षात हमारे बीच में विराजमान है। अगर सच्ची श्रद्धा है, कहते नहीं कि मानो तो गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। सच्चे दरबार की ओ आ गया मैं बाबा सारी दुनियादारी छोड़ के,
जाए नहीं। अगर इस बच्चे से सेवक से कोई भूल चूक हो जा नुकागरत के निशान गलतियों का पुतला था बाबा, मेरी माफी को माफ करना। आइए बार बार प्रार्थना करते कैसे
कैसे भगत खाटू श्याम महाराज को बुलाते हैं बाबा तेरा कीर्तन कराया जागरण कराया है एक भक्तान दर्शन दे कैसे क्या बता दिया
मेरा अजोक है बाबा श्याम है कैसे क्या बता दिया Okay.